सुप्रभात, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्लास टेंथ, तो आज हम जो है इसकी डेफिनेशंस जो हैं वो रीड करेंगे, जो आपने लर्न करनी है मैं आपको समझाऊंगा साथ के साथ, और आपने नोट भी करने हैं डेफिनेशन जो हैं। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आगे भी स्वस्थ रहें, यही मैं मेरी भगवान से प्रार्थना है, अपने पेरेंट्स की बात जरूर माने, घर पर रहें, सावधानी से जागरूक रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का जो वर्क है। आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है कंबाइन होते हैं, क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था, अब आपने लर्न करनी है ये डेफिनेशन। तो इसमें क्या है, देखिए एग्जांपल क्या है, 2Mg नीचे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या हुआ, एक सॉलिड है, गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हमारे पास बन गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन या मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट एस, वाइट कलर का है ये बेसिक, और क्या करेगा ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ये आपके समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि एसिड बेस साल्ट वाला जो चैप्टर है हमारा वो होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों करेगा उसको। वैसे आपको बता देता हूँ मैं, वैसे एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर पे इफेक्ट होता है एसिड का और बेस का। एसिड क्या होते हैं, जिनका टेस्ट शोर होता है, ठीक है, और जो एच पॉजिटिव आयन बनाएंगे, उसके साथ साथ जिनकी पीएच वैल्यू 7 से नीचे होगी, ये तीन जो है उनकी प्रॉपर्टी होती है एसिड्स की। और एसिड को जब हम डालेंगे लिटमस पर तो लिटमस रेड कलर का हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है रेड में वो। लेकिन अगर हम लिटमस पर बेस डालेंगे, आप लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे, यानी कि लिटमस पेपर के कॉन्टैक्ट में आएगा बेस, तो वो ब्लू हो जाता है। बेस के कॉन्टैक्ट में आने से ब्लू हो जाता है, एसिड के कॉन्टैक्ट में आने से रेड हो जाता है। बेस का जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एसिड की थी हमारी, शोर था, एच प्लस आयन प्रोड्यूस करता था और पीएच वैल्यू 7 से नीचे है, ऐसे ही बेस की प्रॉपर्टीज है, बेस शोर होते हैं टेस्ट में और OH नेगेटिव आयन क्रिएट करते हैं पानी के अंदर डिजोल्व होने के बाद। और उसके हमारी डेफिनेशन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन में क्या हुआ, इसकी अपोजिट है बिल्कुल, जैसे हमने फर्स्ट पढ़ी है कॉम्बिनेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगी, सिंगल कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। डेफिनेशन पढ़िए, सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज और ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि एक कंपाउंड से हमें क्या मिलेंगे, दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस मिल जाएंगे। 2FeSO4 एग्जांपल में देखिए, सॉलिड फॉर्म में है, 2FeSO4 ब्रेक डाउन हो गया वो, और ब्रेक डाउन होने के बाद Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमने एग्जांपल पढ़ा है, जो आपको दिखाया गया है, इसको एग्जांपल को ये ध्यान रखना कि एग्जांपल आपने करना है 100% करना है, आपने श्योर है ये एग्जांपल आपने करना ही है, तभी जाके आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, अगर आप आगे इसको टेस्ट वगैरह में दोगे कहीं भी। एग्जांपल के बिना जो है रिएक्शन का, इसका डेफिनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप डेफिनेशन भी ये करें और एग्जांपल भी करें साथ में। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोलेंगे हम, मैंने आपको पहले वीडियो में मैं बताया है कि कैसे होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर आपने नहीं देखी उसको देखें एक बार। ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट
या मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस साल्ट सॉल्यूशन। क्या करता है, एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। देखिए एग्जांपल में Fe आयरन है, उस वो डिस्प्लेस करेगा किसको करेगा, SO4 को, कहाँ से, जिंक के पास से, तो जिंक हो जाएगा अलग से। और Fe जो है यानी कि आयरन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिंक से, तो उसने डिस्प्लेस कर दिया किसको कर दिया, SO4 को, यानी कि उसकी जगह से हटा दिया उसने। कौन सी जगह थी उसकी, Zn के पास थी ना जगह, तो Zn के पास अब नहीं रही, कहाँ आ गया वो SO4, Fe के पास, तो डिस्प्लेस हो गया वो। तो Fe प्लस Zn SO4, Fe SO4 प्लस Zn, तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयरन और जिंक सल्फेट। उसके बाद आयरन सल्फेट और जिंक, जिंक कलरलेस हो गया बिल्कुल, ग्रीन है, ठीक है ना, Fe SO4 कलरलेस हो जाएगा, जिंक जो है ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट डेफिनेशन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का ही एक तरह का बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, उसमें सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट थी, सल्फेट का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यहाँ पर डबल हो जाएगी, दो कंपाउंड होंगे दोनों के बीच में क्या होगा, आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। देखिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड्स, एक्वस सॉल्यूशन की बात है यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ एक्वस सॉल्यूशन, वैसे सॉल्यूशन नहीं, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए ऑफ टू आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयन्स इज कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंज, आपस में एक्सचेंज करेंगे, ऑफ देयर आयन्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या म्यूचुअल एक्सचेंज, जो पिछली वाली वीडियो में देखा था वो भी आप डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हो। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने करना ही करना है, दो एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको यहाँ पे, BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वस स्टेट में है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट ये भी एक्वस स्टेट में है, और BaSO4 बेरियम सल्फेट हो गया प्लस सोडियम क्लोराइड, तो ये क्लोराइड और सल्फेट दोनों आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, किस किसी ने किया एक्सचेंज आपस में, Ba ने और बेरियम ने और सोडियम ने। सेकेंड एग्जाम्पल जो है PbNO3 ट्वाइस, ठीक है ना, लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड Ki 2Ki, यहाँ पे जो है हमारा लेड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट, ये आपके पास आ गया है, एक्वस स्टेट में है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन इन डेफिनेशंस के साथ एग्जांपल आपने, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ज़रूरी करना है, बहुत ज़रूरी करना है। और स्टेट जो इनके साथ लिखी होती है, एक्वस स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एक्वस स्टेट के बिना रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, ड्राई फॉर्म में नहीं कर पाते आसानी से, हर एक केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन रहेगी, बहुत ही आसान है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने पढ़ा था, एक में ऑक्सीजन बढ़ती है दूसरे में, अगर आपको ऑक्सीडेशन याद होगी ना अच्छी तरह से तो आप रिडक्शन को आसानी से याद रख पाओगे, एक को याद रखना अच्छी तरह से दूसरे में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि ऑक्सीडेशन आपने याद कर ली मान लीजिए, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर कोई भी एक कंडीशन है तो वो कौन सी रिएक्शन में आएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आएगी, ठीक है ना। एग्जांपल देखिए 2Mg+O2, 2Mg हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या एडिशन हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है एडिशन, Mg के अंदर एडिशन हो गया। एग्जांपल सेकंड है CuCU+O2, तो क्या बन गया, 2CuO, 2CuO बन गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन किस में हुआ, कॉपर में, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया हमारा। तो यहाँ पे दोनों एग्जांपल में क्या है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये दोनों रिएक्शन कौन सी हमारी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट जो है रिडक्शन है, इसका अपोजिट हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उल्टा है बिल्कुल, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का खेल है सारा। उसके बाद कहता है और गेन ऑफ, उसमें क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल अपोजिट है, आपने एक अच्छी तरह से करनी है, दूसरे वाली अपने आप ही आपको हो जाएगी। और आपको एक और बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, एग्जांपल इसमें मैंने लिखा हुआ है, जो पिछले वाली वीडियो में यही एग्जांपल दिया था मैंने, CuO+H2O, ये एग्जांपल ऐसा है, आप ऑक्सीडेशन में लिख सकते हो इसको, रिडक्शन में लिख सकते हो आप इसको, इसको आप रिडॉक्स रिएक्शन में लिख सकते हो, भी आगे आएगी, ठीक है ना। तो ये आपने एग्जांपल जो है जरूर करना है, CuCO+H2, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के पास क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर एडिशन हो गया ऑक्सीजन का। लेकिन अगर कॉपर की बात करें हम, तो कॉपर के पास से क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, तो दोनों ही रिएक्शन जो है एक ही इसमें हो जाएगी, इस एग्जांपल के अंदर। लेकिन अभी इसमें क्या लिखना है, आपने रिडक्शन का एग्जांपल लिखना है। अब आगे आगे हमारी रिडॉक्स रिएक्शन,
देखिए, अगर आपके किसी रिएक्शन में ऐसा लगे आपको कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, उसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या लिखेंगे हम, इन रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, सिमल्टेनियसली CuO + H2 क्या बनेगा वही रिएक्शन। एग्जाम्पल ऊपर वाला ही है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हमारे साथ डेफिनेशन है, हमने 4 टाइप्स की जो है, एक पहले हमने पढ़ी क्या कॉम्बिनेशन, फिर डिस्प्ले ये की थी हमारी डिकम्पोजिशन थी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट थी, डबल डिस्प्लेसमेंट थी, ऑक्सीडेशन थी, रिडक्शन थी और रिडक्स रिएक्शन थी। तो ये 7 डेफिनेशन जो है आपने आज लर्न करनी है, इनको पढ़ना अच्छी तरह से। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन होंगी वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है कुछ है तो आप इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसके साथ साथ जो है जो भी आपको करवाया जाता है उसको टाइम निकाल के समय समय पर पढ़ते रहें। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें ज़रूर रिप्लाई करें, वीडियो कमेंट में भी आप डाल सकते हैं।